कार्य एक महान करें, आइए रक्तदान करें। इसी उद्देश्य के साथ आज रांची के ऑड्रे हाउस में टीम प्रन्यास और आरएमसी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में विशेष रूप से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और एसएसपी सुरेंद्र झा ने भी रक्तदान किया। बादल पत्रलेख ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। साथ ही एसएसपी सुरेंद्र झा ने लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया। कोई भी चीज़ों को इवेंट बनाकर लोगों में प्रेरणा देना ये अच्छी बात है, और आरएमसी और प्राणायाम टीम द्वारा जो ये पहल किया गया, खास करके आप देखते होंगे कि रांची वासियों के लिए सैटरडे स्पेशल होता है। कभी पर्यावरण को फ्रेंडली बनाने के लिए, पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए शनिवार नो कार को हम अंजाम देते हैं। कभी कोविड में हेल्थ सेक्टर को क्या ज़रूरत है, युवाओं के को प्रेरित करने के ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। आप देखते होंगे कि रिम्स में डेली 120 से लेकर 160 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इन ज़रूरतों को सोसाइटी ही पूरा कर सकती है। जिस तरह से कोविड फैलता जा रहा है, अचानक इतना ब्लड उपलब्ध करा पाना संभव नहीं हो पाता है। तो वैसे में रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CEO मुकेश कुमार का यह सोच और उनके सोच को अमली जामा पहनाने में प्रनायास की पूरी टीम और उनकी पूरे विभाग कॉरपोरेशन के सारे पदाधिकारी, वार्ड कमिश्नर, सब लोगों ने जो ये इवेंट कराया और मुझे मुख्य अतिथि बनाकर जो सौभाग्य दिया, आपने देखा होगा पुलिस महकमे के रांची के कप्तान SK झा साहब भी आए थे। तो ये युवाओं के लिए प्रेरणा है कि मुश्किल हालात में देश और समाज और राज्य के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। आदरणीय CM ने 2 दिन पहले रिम्स जाकर खुद ब्लड डोनेट करके ये मैसेज देने का काम किया, उसी के आलोक में हम लोगों ने भी इस तरह का ही परफॉर्मेंस देना शुरू किया है। अदर मिनिस्टर्स, अदर ऑफिसर्स, अदर मीडिया पर्संस और जो यूथ भारत माता की जय कहने पर हाथ उठा के जिंदाबाद करते हैं, उनको आज देश और राज्य को आबाद करने के लिए इन सब चीज़ों में आगे आने की ज़रूरत है। पार्टिसिपेट्स करना है, सजेस्ट एंड कंट्रीब्यूट, दोनों चीज़ होना चाहिए। सिर्फ सजेशन नहीं, सजेशन विद कंट्रीब्यूशन, और सेक्रीफाइसेस ही सोसाइटी को मजबूत बना सकता है, यह हमने अपने जीवन में देखा है। आपको यदि गोल अचीव करना है तो आपको सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा, चाहे ब्लड को डोनेट करें, अपने टाइम को डोनेट करें, अपने फीलिंग्स को डोनेट करें, अपने धन को डोनेट करें। आपको ऐसा करने से एक मैंने भारत के जिम्मेदार नागरिक कहलाने का पूरा हक प्राप्त होगा। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि बहुत टफेस्ट फेस सोसाइटी का दौर गुजर रहा है, हर कोई अमीर गरीब छोटे बड़े कोई भी आदमी हो त्रस्त है कोरोना के दौर में। सेम टाइम में जो है और जो इश्यूज हैं, जो और डिजीज हैं, जो एक्सीडेंट हैं, वो भी हो ही रहे हैं, लेकिन कोरोना के डर से और जगह जो स्टडी किया गया है तो हर ब्लड बैंक में जो है ब्लड कमी हो रही है। तो इस दौर में जबकि सबको त्रस्त है, तो जो प्रनायास टीम है और रांची नगर निगम के जॉइंट वेंचर से जो ये एफोर्ट किए गए हैं, वास्तव में बहुत प्रशंसनीय काबिल तारीफ़ है। जिसने प्रशंसा किया जाए, कम किया जाए हो, आपने देखा होगा माननीय कृषि मंत्री जी आए थे, हम लोग भी थे, समाज के लगभग हर प्रबुद्ध लोग, हर समुदाय के, हर क्षेत्र के हर लोग यहाँ पे आए थे, और एक निस्वार्थ भावना से कि हम सब का समाज है, हम सब लोग अपने उन भाइयों के लिए खड़े हैं जो अभी क्राइसिस में हैं। तो ऑफ कोर्स इस तरह के जो प्रोग्राम है, समाज में सॉलिडिटी बढ़ती है, समन्वयता बढ़ती है इससे, और एक सामाजिक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजर, और मैं आप लोगों के माध्यम से और लोगों से आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आके ब्लड डोनेट करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, Never miss an update.